रॉयल इनफील्ड की बुलेट भाई नई हो चाहे पुरानी, मेंटेनेंस तो उसकी भाई करनी ही पड़ती है। अब अपनी जो ये क्लासिक है इसके अंदर मैंने हर चीज कर ली, सब कुछ मैंने इसका ठीक करवा लिया, लेकिन एक चीज जो मेरी हमेशा रह जाती थी वो थी भाई इसकी चेन। अब मेरा इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, बट अभी कुछ टाइम पहले मैं मॉर्निंग राइड करने गया था, जब मैंने ये चीज नोटिस करी कि इसकी चेन में से ना अननेसेसरी नॉइज मतलब प्रोड्यूस हो रही थी। उसके बाद जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी अपनी बुलेट को, देखा कि इसमें दिक्कत क्या है, चेन में क्यों इतनी आवाज आ रही है, तो पता लगा भाई ये सूखी चल रही थी। अब मेरे पास ये रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन चेन लूप्स भी हैं, लेकिन मैं इनसे आज चेन लूप नहीं करूंगा। देखो ये एक महंगा सौदा, मतलब 400-500 रुपए का आता है ये जोड़ा जो आता है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ सस्ते में चेन लूप। अब सस्ते में कैसे होती है वो तो आपको वीडियो के अंदर पता लग जाएगा, लेकिन चैन लूप इसलिए भी ज्यादा जरूरी होती है कि जो इसका चैन सेट होता है ना बहुत जल्दी खराब होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो खराब होता है वो पीछे का कटोरा होता है जिसको हब भी बोलते हैं। अब वो खराब क्यों होता है भाई, उसका जो मटेरियल होता है ना पता नहीं कौन सी मतलब किस उसका बना है मुझे नहीं पता, उसके दांते बहुत जल्दी टूटते हैं, और चेन जब ये हार्ड होती है ना सूखने की वजह से तो दांते ही तोड़ती है, और जो आवाज करती है वो तो करती ही, और धीरे धीरे वो बढ़ती भी जाती है। मतलब चैन लूप ना करने के बहुत नुकसान है, फायदा तो एक भी नहीं है, बस फायदा तो ये है कि आप थोड़े बहुत पैसे बचा लोगे, लेकिन जब उसके बाद जब वो कटोरे को खराब करेगी और जब वो आपको नया लेके आना पड़ेगा तो वही 2200-2300 रुपए का भाई आता है पूरा चैन सेट, चाहे आप क्लासिक का ले लो, इलेक्ट्रा का ले लो, स्टैंडर्ड का ले लो, या फिर इससे अपर वेरिएंट में जाओगे तो उसके तो और भी महंगे हैं, और अब जो नए जे सीरीज इंजन आ रहे हैं उसकी तो चैन सेट और भी ज्यादा महंगे हैं, तो चेन लूप्स करना बहुत जरूरी रहता है। तो सस्ते में करना है तो इन दोनों को तो रख ही देते अभी हाल फिलहाल में साइड में, और अगर आपके पास बुलेट है या फिर कोई भी ऐसी बाइक है जो थोड़ी इसकी जो चेन है वो एक्सपोज रहती है जैसे बुलेट की रहती है, तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF Explorer, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इसी रेट का सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते करते अपनी इस वाली क्लासिक की चेन को लूं और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई ये रही अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, और पहले मैं आपको इसकी चेन की हालत दिखाता हूँ। ये देखो रस्ट इसमें कितना ज़्यादा लगा हुआ है, ये देखो। अब ये रस्ट लगा कैसे ये तो नहीं पता, बारिश तो अभी हुई नहीं जल्दी में, बट ये देखो इस वाली साइड में देखो पूरी जो चेन है ना उस पर रस्ट अच्छा खासा लगा हुआ है, तो इसकी वजह से होगा क्या, अगर मैं इसको ज़्यादा राइड करूँगा ना तो ये इसके कटोरे को ख़राब कर देगा, तो कटोरा तो ख़राब करवाना नहीं है अपने को, तो इसलिए भाई अब इसकी चेन लूप करनी है। और होगी कैसे, अभी इसके जो मैं सामान वगैरह जो मैंने इकट्ठे करे हैं वो दिखाऊंगा, और वो सारा सामान आप इजीली कहीं से भी मतलब इकट्ठा कर सकते हो। चेन ल्यूब वगैरह जो होती है ना भाई थोड़े महंगे आते हैं, सबको ही पता है, तो सस्ते में कैसे होगा वही बात करनी है सारी। तो देखो चेन की कंडीशन तो आपने देख ही ली, तो अब ये सस्ते में कैसे होगा और मैं कैसे कैसे इसके अंदर मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं वो करूंगा वो आपको देखने को मिलेंगे, तो अब करते हैं इसकी प्रक्रिया शुरू। सो भाई ये रहा रॉयल इनफील्ड चेन क्लींजर का जो सब्स्टिट्यूट है इस वाली साइड में, ये डीजल। अब आप सोचोगे भाई पेट्रोल क्यों नहीं है, तो देखो पेट्रोल ना बहुत ज़्यादा सुखा देता है, डीजल के अंदर थोड़ी ल्यूब्रिकेशन होती है, और इससे भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ एक और है वो है मिट्टी का तेल, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल भाई दिल्ली में अवेलेबल होता नहीं है, बैन है मैंने सुना है, पहले तो मुझे पता नहीं था अभी पता लगा है, सो इसीलिए मैंने डीजल लिया क्योंकि ल्यूब्रिकेशन इसमें भी हो जाती है, तो बट ल्यूब्रिकेंट दूसरा यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे जो इंजन ऑयल होता है वो यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले चेन साफ करूँगा जिससे जो डस्ट वगैरह वो हट जाए। अब ये भी वही काम करेगा, देखो ये भी डस्ट अच्छे से हटाएगा, और जो चेन क्लींजर होता है ये भी यही काम करता है सेम, और इसको भी मारने के बाद भाई ये ब्रश ना लगाना पड़ता है, इससे साफ करना पड़ता है। अब इस ब्रश से जब साफ करना ही है तो डीजल से कर लेते हैं, अब डीजल तो साफ कर ही देगा, अब ब्रश ना चेन साफ करने का दूसरा आता है, वो मैंने ब्लू कलर का भी देखा है, ग्रीन कलर का भी देखा है, उसमें क्या होता है तीन साइड में ब्रश होता है, उससे क्या होता है एक ही बार में पूरी चेन साफ हो जाती है, मतलब ऐसे ज़्यादा उसको घिसना नहीं पड़ता, इसको घिसना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अभी वो मेरे पास है नहीं तो मैंने उसको लिया नहीं। और देखो अपनी चीज़ सस्ते में जितनी हो जाए उतना ठीक है, अभी महंगे से महंगी तो हम कितनी भी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट चेन लूप भी कर सकते थे इसी से कर लेते तो भी कौन सी दिक्कत थी, तो हमें देखना है सस्ता, सस्ते में कैसे हो सकता है, देखो महंगे से महंगी तो हर चीज़ है कुछ भी लगाओ, तो डीजल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, अब जितने 400-500 रुपए की वो किट आती है, और यहाँ पे ये चीज़ आपकी 100-150 रुपए में ही सही हो जा रही है, पता नहीं कितनी बार साफ हो जाएगी इससे चेन, और ये देखो ये 100 ml भी मुझे लगता नहीं है डीजल होगा। सो अब मैं चलो बातें बहुत कर रहा हूँ तो बातें साइड करते हैं, अभी इसको साफ करना शुरू करते हैं, इसको जो रस्त है देखते हैं वो हटता है नहीं हटता, और चेन कैसी साफ होती है, ठीक है तो चलो करते हैं इसकी चेन को साफ करने की प्रक्रिया शुरू। तो भाई बुलेट तो हमने कर ली स्टार्ट, अब चेन अपनी घूमती रहेगी, अब इससे क्या होगा बस ये देखो इस तरीके से, ज़्यादा हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, तो हम डीजल लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो भाई ये यहाँ पे चेन के ऊपर अच्छे से डीजल डाल लेता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसके ऊपर तेल डाल रहा हूँ, कोई तो जो चिकने वाले तेल होते हैं ना इंजन ऑयल जैसा कुछ वैसा, बट ये वो चीज़ नहीं है। अब ब्रश लगा के इसको रगड़ना शुरू करते हैं, और मैंने अच्छे से डीजल तो इसके ऊपर लगा लिया,
डीजल तो मैंने काफी डाल दिया इस पे, एक साइड से तो ये अच्छे से साफ हो गई, ब्रश तो वैसे भी काला ही था। अब इससे हुआ क्या ना कि जितनी भी मिट्टी थी वो हट जाएगी, अभी दूसरी साइड इसकी रह गई है, एक साइड क्लियर हुई है। भाई चेन लीव करना इतना तो आसान नहीं है जितना मुझे पहले लग रहा था। हाँ भाई कितनी गंदगी निकल रही है इस चेन के अंदर से। मैंने भी बढ़िया डीजल मार के इस पे कर दिया, देखो नीचे कितना गंदा डीजल गिरा हुआ है, ये देखो नीचे की साइड में क्या बढ़िया डीजल गिरा है आपने, इतनी गंदगी तो इसके अंदर से निकल गई। अभी तो इसको ल्यूप भी करना है, अब पहले इसको ना बंद करके मैं देख लूँ ये साफ क्या हुआ है कैसा हुआ है। लो भाई अब चेन की आप कंडीशन देखो, पहले कुछ थी और अब कुछ हो चुकी है, ये देखो हो गई ना साफ, यहाँ से नहीं यहाँ से देखो, अब ये देखो भाई चारों तरफ से बढ़िया हो गई चेन, बढ़िया चमक रही है, अब ना कोई रस दिख रहा ना कुछ, और चमक गई एक तरीके से। अभी देखो इसके रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मैंने इसको भी यूज़ करा है, अब इससे तो हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई इससे साफ कर करके दिखा रहा है, अब मैंने भी इससे करा था, ऐसी बात नहीं मैंने नहीं करा, बट वीडियो नहीं बनाई थी। अब इसके रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अब मैं दिखाना तो ये चाह रहा था कि इसका सब्स्टिट्यूट आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से डीजल डाल के भी चेन साफ कर सकते हैं, और देखो कितनी बढ़िया साफ हुई है। अब तो बस इसको ल्यूब करना है, इसके अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल गिरेंगे और ये ल्यूब हो जाएगी बढ़िया से। आप चेन ल्यूब भी यूज़ कर सकते हैं जो इसके साथ आता है, बट मुझे तो भाई सस्ता वाला ही दिखाना है, तो इसकी जगह अच्छा वाला इंजन ऑयल इसके ऊपर डालते हैं और फिर ये हो जाएगी ल्यूब, और देखो बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो गई। मुझे नहीं लग रहा था भाई ऐसा रिजल्ट निकल कर आएगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा निकल कर आया, मैं खुश हूँ भाई इस रिजल्ट से। तो भाई चेन को तो मैंने डीजल से अच्छे से क्लीन कर लिया, अब बारी है चेन को ल्यूब करने की। अब देखो ल्यूब करने के अपने पास ऑप्शन सबसे पहला तो ये चेन ल्यूब्रिकेंट, अब ये तो मेरे मारना ही नहीं है, तो इसका सब्स्टिट्यूट है ये इंजन ऑयल। अब मेरे पास तो ये मॉड्यूल का है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो चेन ल्यूब करने के लिए, बस पुराना वाला मत करना जो जला हुआ तेल होता है, क्योंकि उसकी खुद की जो मतलब चिकनाई होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये बिल्कुल साफ़ तेल है इसके अंदर, मैं आपको थोड़ा ढक्कन में लेके दिखाता हूँ तब आप समझोगे। ये देखो भाई एकदम साफ तेल है ये रहा। अब इसको डालना है चेन के ऊपर और चेन अपनी ओके, मतलब जो भी करना था ना इसी से फाइनल है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि भाई जब चेन को साफ करते हैं ना पूरी गाड़ी गंदी हो जाती है, मतलब पूरी बुल्ट इसका देखो पूरा रिम गंदा हो गया और इस वाली साइड में ये देखो कितना ज़्यादा डीजल हो गया। अब मेरा मानना कुछ और है मेरा मानना ये है कि ऐसे चेन साफ करके अगर बुलेट धो दी जाए उसके बाद चेन ल्यूब करी जाए तो कैसा रहेगा, तो ये मेरा थॉट है। अगर ये चीज़ ठीक है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अगर ये चीज़ सही है तो आप मुझे बताना, अगर सही नहीं है तो भी बताना, और किसी ने कमेंट में नहीं बताया तो मैं कर लूँगा, तब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लेकिन इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि गंदी जितनी हो गई है ना ये, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि पहले डीजल से या किसी भी चीज़ से साफ़ कर लो, उसके बाद पूरी बुलेट को धो लो, फिर उससे ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, फिर हल्का हल्का इसको चेन ल्यूब कर लो, मतलब जो भी आपको ऑयल गेरना है या मॉटल वॉटल के जो आते हैं या फिर आपको ये लगाना है कुछ भी लगा लो, तो वो चीज़ बाद में अगर ऐसा करा जाए तो कैसा रहेगा। तो अभी चेन तो अपनी साफ़ हो गई, अब इसके ऊपर यहाँ पे ये तेल गेर लेते हैं, इंजन ऑयल डाल लेते हैं और फिर अपना प्रोसेस ख़त्म कर लेते हैं चेन ल्यूब करने का। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से, कर दे भाई यार एक एक में स्टार्ट नहीं हुई, बटन करो। ओ भाई भाई स्टार्ट करिए इसको गेयर में। तो ये चेन अपनी हो गई स्टार्ट, मतलब इंजन स्टार्ट हो गया तो चेन भी हो गई। तो अब इसको यहाँ से डालते हैं थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ी रेस दे, अब ये डालना थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं गेरना, अगर ज़्यादा गेर दोगे तो फिर ये टायर को और गाड़ी को गंदा करेगा, तो गेरना थोड़ा थोड़ा ही। बस इतना बहुत है, मतलब मैंने पहले भी इतना ही लिया था अभी भी इतना लिया है, ये देखो पूरा ढक्कन नहीं भरा है, ढक्कन से थोड़ा सा कम है, मतलब आधा तो कम ही है। अब इसको गेरना है यहाँ पे, अब हो गया नहीं बढ़िया चेन ल्यूब। अब ये सस्ता भरोसेमंद टिकाऊ काम, पहले भी तो चेन ल्यूब वगैरह नहीं आती थी, तब भी तो चेन ल्यूब करी जाती थी ना, तो उनका भी तो प्रोसेस यही था, अब भी यही है, तो बस यही है कि मार्केट में चेन ल्यूब आ गए तो लोगों ने वो यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ऐसा ही है। तो अब मैंने चेन के ऊपर यहाँ पे इंजन ऑयल तो गेर दिया और अपनी चेन हो चुकी है ल्यूब। अब ये प्रोसेस
कितना सटीक है कितना नहीं, अगर आपको इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं, पहले भी ऐसी होती थी, अब भी मैंने ऐसी करी है। देखो महंगे से महंगे तो वही अगेन मैं बोलूँगा, कुछ भी लगा लो, ये रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन सामान भी था मेरे पास, पहले इसको बंद कर दो यार ये शोर बहुत कर रही है। तो देखो महंगी चीज़ है तो आप कुछ भी यूज़ कर लो, रॉयल इनफील्ड का सामान था अपने पास, हम उससे भी इसको क्लीन कर सकते थे, ल्यूब कर सकते, सब कुछ कर सकते थे, वो ये महंगे की वजह से लोग करते नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस करी है। और ये चीज़ भाई पहले से होती आ रही है, बट कहीं ना कहीं चेन ल्यूब और चेन क्लीनर इनकी वजह से चीज़ छुपती जा रही थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना दोबारा से इस चीज़ को उठाया जाए और इस चीज़ से करा जाए। अब ये जो मैंने इसके ऊपर इंजन ऑयल गिराया ना, ये चीज़ आप इस हब के ऊपर देखो, पीछे ये जो यहाँ पे कटोरा होता है रियर चेन स्पॉकेट, ये पूरा तेल में हो चुका है। अब ये देखो यहाँ से पूरी चेन और ये सारा कटोरा ना इसका बिल्कुल ओके हो चुका है, अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही सच बताऊँ तो, पहले तो खचर 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 कर रहा था। देखो अब बिल्कुल नहीं कर रहा, इतने में भी करने लग जाता था, अब कुछ भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है ये चीज़। यहाँ से देखो, यहाँ से ये चीज़ देखो बिल्कुल ओके है, पता नहीं कैमरा फोकस कर रहा है नहीं कर रहा, कर ही रहा है थोड़ा सा तो। सो ठीक है, मेरे हिसाब से तो अब चीज़ ओके हो चुकी है। तो ये थी भाई छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चेन ल्यूब के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश फ्रेश कॉन्टेंट के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।